वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। टूडेज टॉपिक इज गोल्ड फिश केयर। हाउ टू केयर गोल्ड फिश। टैंक साइज मैटर्स द मोस्ट। आप कभी भी गोल्ड फिश को एक फिश बाउल में ना रखें। गोल्ड फिश इज नॉट मेड फॉर फिश बाउल। गोल्ड फिश को एक मिनिमम 20 गैलन का टैंक जरूरी है। 20 गैलन मीन्स आप 2 फीट या 3 फीट के टैंक में रख सकते हो। कभी भी एक छोटा सा बाउल विदाउट एरेशन मत रखें। विदाउट एरेशन गोल्ड फिश जो है 3 to 4 आवर्स जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए गोल्ड फिश को एक प्रॉपर टैंक सेटअप चाहिए जिसमें अच्छा फिल्ट्रेशन एरेशन और गोल्ड फिश को अच्छे टैंक मेट्स हों। फिल्ट्रेशन इज मस्ट फॉर गोल्ड फिश। विदाउट द फिल्ट्रेशन यू कांट कीप द गोल्ड फिश। फिल्ट्रेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है गोल्ड फिश के लिए। अगर आपके पास 1 फीट का टैंक है तो आप स्पॉन्ज फिल्टर या हैंग ऑन बैग फिल्टर यूज़ कर सकते हैं गोल्ड फिश के लिए। अगर आपके पास 2 या 3 फीट का टैंक है तो अगर आपके पास बजट है तो आप केनिस्टर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट लो है तो आप टॉप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन है, टॉप फिल्टर इज़ द बेस्ट। टॉप फिल्टर में आप भर के आपको बायोमीडिया डालना पड़ेगा, एक्टिवेटेड चारकोल और बायोमीडिया जो कि बायो बॉल्स सेरेमिक रिंग्स, ये सारा आपको भर के डालना पड़ेगा क्योंकि गोल्डफिश बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको अमोनिया को लेस करने के लिए आपके टैंक में तो आपको फिल्ट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके एक्वेरियम में फिल्टर नहीं है तो आपके गोल्ड फिश को बहुत हार्म कर सकता है। जब वो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अमोनिया इज़ वेरी हार्मफुल फॉर गोल्ड फिश। सो आप ट्राई करें कि जितना अच्छा फिल्टर हो उतना अच्छा बेटर फिल्ट्रेशन अपने गोल्ड फिश के लिए दें। नाउ द टॉपिक कम्स टू फीडिंग। जितना अच्छा खाना आप आपके गोल्ड फिश को दोगे उतना हेल्दी और हैप्पी आपका गोल्ड फिश रहेगा। आपके गोल्ड फिश को आप कम से कम ट्राई करें कि हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन फूड दें, जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए हिकारी ऑप्टिमम। अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको तो हिकारी गोल्ड फिश फूड एंड ऑप्टिमम 3-in-1 आर द बेस्ट फिश फूड फॉर गोल्ड फिश। आप कभी भी आपके गोल्ड फिश को एक ही फूड पर ना डिपेंड करें। आपके गोल्ड फिश को 3 to 4 वेराइटीज ऑफ फूड वीकली दें। अगर वीकली मंडे पेलेट्स, ट्यूजडे वेजीज, वेडनेसडे ट्यूबिफिक्स फॉर्म्स, थर्सडे पेलेट्स, फ्राइडे पेलेट्स, सैटरडे पीस, ऐसे अगर आपके गोल्ड फिश को ऐसे रूटीन चेंज करते जाओगे तो आपका गोल्ड फिश हेल्दी एंड हैप्पी और ज़्यादा दिन जिएगा। टेम्परेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी गोल्ड फिश। अगर आपके गोल्ड फिश को डिजीज फ्री रखना है, अगर आपके गोल्ड फिश को वाइट स्पॉट आ गया, अगर आपके गोल्ड फिश को रेड स्पॉट आ गया, अगर आपके गोल्ड फिश को फिन रॉट हो गया, ये सब टेम्परेचर लो होने से होता है। समर्स में गोल्ड फिश या एनी अदर टाइप ऑफ फिश को हीटर रिक्वायर्ड नहीं होता, पर व्हेन इट कम्स टू विंटर्स हीटर आर मस्ट फॉर गोल्ड फिश और एनी अदर कोल्ड वाटर फिशेस और ट्रॉपिकल फिशेस। हालांकि ये गोल्ड फिश कोल्ड वाटर फिश है, पर जब टेम्परेचर 23 या 22 से जब और नीचे गिर जाता है तब किसी भी फिश को प्रॉब्लम होता है स्विम करने में। किसी भी फिश को जो है डिसीज जल्दी अटैक होते हैं। इसलिए आप ट्राई करें कि जब 20 आप एक थर्मास्टर रखे आपके एक्वेरियम में चेक करते रहें। जब आपके अगर आपका एरिया 22 से जब नीचे हो जाता है तब आप हीटर इंस्टॉल करें। हीटर इज मस्ट फॉर हेल्दी गोल्ड फिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बगल पर जो घंटी का सिंबल होता है उसको दबाएं कि अपडेटेड रहें जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ।